जय माँ कात्यायनी। आदरणीय बंधुओं को मैं नमस्कार करते हुए, अभिनंदन करते हुए, आज मैं नवंबर के महीने में तुला राशि का राशिफल लेकर के उपस्थित हुआ हूँ कि तुला राशि वाले लोगों का नवंबर के महीने में भविष्य किस तरह रहने वाला है, इसी विषय पर मैं आगे बढ़ता हूँ, चर्चा करता हूँ। तो सबसे पहले 1 से 10 नवंबर के बीच में आप किस तरह सावधान रहेंगे, किस तरह रहेंगे, उस पर ध्यान दें। इस समय आपकी राशि में सूर्य भगवान का गोचर है, जो कि बुध भी आपकी राशि में बाद में आएगा। यह पराक्रम पर, आपके आत्मिक बल पर, शारीरिक बल पर, सामाजिक बल पर असर डाल सकता है। 3 और 4 नवंबर को आपका काम, आपका व्यवसाय अच्छा रहेगा, फिर भी लोग आपसे असंतुष्ट रहेंगे। मेहनत ज्यादा और लाभ कम मिलेगा। आय में अस्थिरता, यानी कुछ कह नहीं सकते कि हाँ आय किस मात्रा में रहेगी, कैसे रहेगी, बनी रहेगी। अन्य लोगों की वजह से आपके बने बनाए काम भी बिगड़ने की अवस्था में आ सकते हैं। चंद्रदेव की वजह से घर का काम चलता रहेगा, कुछ नया करने का विचार न करें, वही परिवर्तन का समय नहीं है। 11 से 20 नवंबर इस बीच में ग्रहों की पूर्ववत स्थिति बरकरार रहेगी, साथ में मंगल देव आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रदेव की दृष्टि आपकी राशि पर आएगी, साथ में राहत की प्राप्ति होगी एवं नए कार्यों में, नए कामों में गति आएगी, यानी स्पीड बढ़ेगी। मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा, नई जिम्मेदारियां आपके अपने निजी कार्यों पर आपको मिलेंगी, और साथ साथ आसपास के लोग भी आपको परेशान कर सकते हैं, आपका कोई मजाक बना सकता है या बन सकता है। भाइयों का सहयोग नहीं मिलेगा, खर्च कुछ अधिक मात्रा में ही होने वाला है। 21 से 30 नवंबर के बीच 22 से चंद्रमा द्वादश होने से व्यय की अधिकता, यानी धन ज्यादा खर्च कर सकते हैं, आय की कमी, इनकम सोर्स थोड़ा सा कम हो जाएगा। 24 से चंद्रदेव आपके अनुकूल होने से सुधार काफी हद तक दिखाई देगा, साथ साथ पहले से स्थिति आपकी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। आय भी सुधार होगा, परिवार का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा, प्रेम में सफलता मिलती दिखाई देगी, साथ में जीवन साथी का पूरा सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। नए व्यापार में कुछ काम करने का मन भी करेगा और कुछ प्रयास करेंगे। निवेश से दूर रहे, कहीं कोई धन लगाना है प्रॉपर्टी में या कहीं शेयर मार्केट में, तो आप थोड़ा सा सावधान रहें, उसमें विशेष ध्यान न दें। बात करते हैं आपके नौकरी के बारे में। काम आपका अच्छा रहेगा, मेहनत भी आपकी पर्याप्त रहेगी, लेकिन अधिकारी आपसे असंतुष्ट रहेंगे, किसी तरह की कमी और आपका ध्यान विशेष किसी निगेटिव की तरफ खींच सकता है, उसमें थोड़ा सा सावधान रहें। बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन में मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा, आपको कहीं दूर स्थान पर जाना पड़ सकता है, और मान अपमान में भी कुछ चीजें आपको मतलब आ सकती है, यानी अपमान सहना पड़ सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखें। बात करते हैं आपके व्यापार की। व्यापार के मामले में किसी पुराने दोस्तों से मदद मिल सकती है, आपको दूर स्थान पर या किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए बाहर जाना पड़ सकता है, आपको अच्छा काम, अच्छा खासा लाभ भी प्राप्त होगा। बात करते हैं आपके सेहत की, स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के लिए अगर देखा जाए, समय आपका अच्छा है, आप खुद को और अपने परिवार को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से काफी संतुष्ट पाएंगे, महसूस करेंगे। बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की, पारिवारिक जीवन किस तरह रहने वाला है। तो जीवन साथी से कोई दुखी करने वाली सूचना आपको मिल सकती है, जिससे आप थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं। ससुराल पक्ष से संबंध आपके ठीक रहेंगे, प्रेमियों के समय अच्छा है, अनुकूल रहेगा, प्रेम प्रसंगों में ही सफलता के पूरे योग है। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके रिश्ते भी आ सकते हैं। संपत्ति की अगर बात करें तो संपत्ति के लिए समय अनुकूल है, आपको कोई अच्छा विशेष लाभ मिल सकता है। किराएदारों से विवाद होने के भी योग है, कोई भी विवाद बिल्कुल न बढ़ाएं, क्योंकि इसमें दिक्कतें बढ़ सकती हैं। मशीनरी पर कुछ धन व्यय हो सकता है। उपाय के बारे में बात करें तो हनुमान जी के मंदिर में बैठ करके उपले पर मीठे से लड्डू से या बूंदी से हवन करके और सुंदरकांड का पाठ वहां पर आप करें, हनुमान जी से प्रार्थना करें अपने बारे में, आपका निश्चित कल्याण होगा। लक्ष्मी जी को मीठा दूध या खीर का भोग लगाएं, आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, कल्याणकारक हो। मुझे दीजिए आज्ञा, मिलता हूं आपसे अगले राशिफल में अच्छे उपायों के साथ। नमस्कार।